Good morning, class 3. This is Bincy ma'am here, and we are going to begin our new chapter in science, which is living and non-living things. Living things yani jisme jaan hota hai. Non-living things yani jisme jaan nahi hota hai. Jaise aapko ye picture mein dikh raha hai. Hai na? Chalo. हम इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं. सो चिल्ड्रन, शैल वी टुगेदर लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. थोड़ा थोड़ा करके अपन सीखने और समझने की कोशिश करते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस. वी सी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, कार्स, बुक्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा. अ फ्यू थिंग्स सच एज प्लांट्स, animals, water, rocks, air, etc. have been provided by nature. These are called natural things. Natural things like plants and animals are called living things. But natural things like air, water, soil are called non-living things. A few things such as books, cars, etc. are made by man. All man-made things are non-living things. तो जैसे कि अभी हमने रीड किया, हमारे चारों और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम हमेशा देखते हैं. जैसे कि हम खुद इंसान, फिर एनिमल्स यानी जानवर है, फिर प्लांट्स यानी पेड़ पौधे है, कार है, बुक्स है, बिल्डिंग्स है, ऐसे बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इनमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, यानी गॉड ने बनाया है, नेचर से मिला है, जो हम इंसान नहीं बना सकते या नहीं बनाते, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान है, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे हैं, फिर एयर यानी हवा, सॉइल यानी मिट्टी है, फिर पत्थर जो होते हैं, सन है, मून है, और क्या क्या है सोच के देखो जो ऑलरेडी गॉड ने बनाए हुए हैं, इसे सब क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स. इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जान है, जैसे कि हम इंसान, फिर प्लांट्स है, पेड़ पौधे, उनमें भी जान होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, इन सब में जान होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स. लेकिन जैसे हवा यानी एयर, सॉइल यानी मिट्टी, सन, मून या फिर रॉक यानी पत्थर जो होता है, इनमें किसी में जान नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स. जिनमें जान होता है उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं, जिनमें जान नहीं होता है उनमें उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट और मेक, दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. जो चीज़ें इंसान बनाते हैं उसे मैन मेड थिंग्स कहा जाता है. उसमें क्या क्या आ सकता है ज़रा सोचिए. यस, बुक्स आ सकता है, और बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, टेबल, चेयर, हाउस, जो भी हम इंसान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स. तो क्या आपको इतना समझ में आया? लुक एट द पिक्चर. लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स लाइक हॉर्सेस, ह्यूमंस, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स ऑल्सो शो सम मूवमेंट्स इन अ स्पेशल वे. फॉर एग्जाम्पल, a sunflower always faces the sun.
It changes its direction with the sun. Have you seen books moving on their own? They move when you move them. Thus, we can say that non-living things do not move on their own. There are few features that living things have but non-living things do not have. Like, living things can move. Living things जो होते हैं, जिनमें जान होते हैं, वो हिल भी सकते हैं. आपने देखा होगा, जैसे हम इंसान या एनिमल्स हो, बर्ड्स, फिशेस हो, सब एक जगह से दूसरी जगह खुद की मर्जी से जा सकते हैं. और कुछ फ्लावर्स भी ऐसे हैं जो कुछ मूवमेंट्स कर सकते हैं, लाइक सनफ्लावर. सनफ्लावर सन के डायरेक्शन के साथ साथ अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. लेकिन क्या आपने कभी देखा है कोई चेयर खुद ही हिल रहा हो, या कोई बुक खुद ही एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हो? नहीं ना, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स खुद अपना जगह बदल नहीं सकते, उन्हें दूसरों की ज़रूरत है. बिना उसे हिलाए वो खुद कहीं और नहीं मूव हो सकता. तो लिविंग थिंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव. All living things need food. Food gives them energy. All living things need energy to do work and grow. Most plants take their own food with the help of air, water and sunlight. Different living things need different types of food. Human beings eat cereals, pulses, vegetables, etc. Cows, buffaloes, deer, horses, etc. eat grass. Birds eat grains, insects and fruits. Monkeys eat bananas. Non-living things do not need food. What does it mean? Every living thing needs food to live, yani? हर वो चीज़ जो जिंदा रहता है उसे खाने की ज़रूरत पड़ती है. हर लिविंग थिंग का खाने का अलग तरीका होता है, अलग खाना होता है. हर लिविंग थिंग को बढ़ने के लिए, उसके ताकत के लिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे अपने घर पे अपने मम्मियाँ बनाते हैं. प्लांट्स अपना खाना एयर, वाटर एंड सनलाइट की मदद से बनाते हैं, और वो अपना खाना भी खुद खाते भी हैं और हमें भी देते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. अच्छा, हम इंसान क्या खाते हैं? सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स. सीरियल्स यानी जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब सीरियल्स होते हैं. पल्सेस यानी दाल, है ना? और वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है, सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये सब खाते हैं. अब एनिमल्स जैसे काउ है, डियर है, हॉर्सेस है, बफेलो, ये सब घास खाते हैं. फिर बर्ड्स क्या खाते हैं? ग्रेन्स, दाना खाते हैं. फिर बर्ड्स इंसेक्ट को भी खाते हैं छोटे छोटे, और फ्रूट्स भी खाते हैं. मंकीज क्या खाते हैं? मंकीज खाते हैं बनानास यानी केला. पर नॉन लिविंग थिंग्स को किसी खाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं है. तो आई बात समझ में? इस पिक्चर को ध्यान से देखो. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? फैसिनेटिंग फैक्ट्स. बैम्बू शूट इज द ओनली सोर्स ऑफ फूड फॉर जायंट पैंडा. जायंट पैंडा यानी बड़ा वाला पैंडा, उसका एक ही खाने का जरिया है बैम्बू शूट. बैम्बू एक तरह का झाड़ का नाम है. अब अपन आगे बढ़ते हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो. अ बेबी ग्रोस इनटू अ चाइल्ड. अ चाइल्ड ग्रोस इनटू एन एडल्ट. अ सीडलिंग दैट इज बेबी प्लांट ग्रोस इनटू अ बिग प्लांट. डस योर टेबल, योर हाउस, your car, etc. grow into something big? No. Why? It is because they are non-living things. Her
लिविंग थिंग एक ना एक बार ग्रो ज़रूर होता है, चाहे वो हम इंसान हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हर वो चीज़ जो ज़िंदा रहता है वो बढ़ता भी है। जैसे हम इंसान में पहले बेबी बॉर्न होता है, जैसे आप बेबी थे, फिर वो बढ़ता है दिन ब दिन, फिर वो चाइल्ड बनता है, यानी जैसे आप हो अभी थर्ड में, फिर वो और बढ़ता है दिन ब दिन, फिर उसके बाद वो बड़ा बन जाता है, फिर वो पापा या मम्मी की तरह बन जाता है, फिर वो और बढ़ता है तो वो दादा दादी की तरह बूढ़े हो जाते हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी पहले सीड्स होते हैं, जैसे आप एप्पल के अंदर या ऑरेंज के अंदर देखते हो ना छोटे छोटे उसके सीड्स, वो होते हैं। उसके बाद उसे हम जब मिट्टी में खोदते हैं वो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर उसका ना झाड़ पौधा बनता है, वो पौधे से बड़े हो होकर उसको पानी, उसको हवा, सनलाइट सब मिलकर वो बड़ा हो होकर एक दिन वो ट्री बन जाता है। वैसे ही एनिमल्स होते हैं, आपने देखा है चिकन यानी छोटे मुर्गी का बेबीज जो होता है, हेन का बेबीज, वो भी पहले छोटा था, पहले एग था वो, यानी जो अंडा जिसे कहते हैं ना वो, फिर वो बढ़ जाता है, उसके बाद वो एक दिन टूट जाता है, उसमें से बेबी चिक्स आता है, वो बड़ा होकर वो फिर हेन या कॉक बन जाता है। वैसे हर लिविंग थिंग्स एक ना एक दिन बढ़ता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी नहीं बढ़ता। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, क्योंकि उसमें जान नहीं होता। ओके, इज इट क्लियर टू यू? लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस कैनॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग, दे नीड एयर टू ब्रीथ इन, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स, गिल्स और एयर ट्यूब्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स दैट इज स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। मतलब हर लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत है, ब्रीथ किए बगैर कोई लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह सकता। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, ऐसे सब लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जैसे हम इंसान हैं अपना लंग्स यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं। फिश जो होता है यानी मछली अपने गिल्स यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, और प्लांट्स यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर उनके पत्तों में छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो देखना आसान नहीं है, हमें जल्दी दिखेगा नहीं, पर उन छोटे छोटे पोर्स यानी होल्स जिसे स्टोमेटा कहते हैं उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स फील, ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, द सेंस ऑफ फीलिंग इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ प्लांट्स एज कंपेयर टू द एनिमल्स, अ टच मी नॉट प्लांट holds its leaves when someone touches it. On feeling the prick of thorn, the girl pulls away her hand quickly. Non-living things do not show feelings. मतलब हर लिविंग थिंग को महसूस होता है, उसे फील होता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, हर लिविंग थिंग को फीलिंग्स होता है। प्लांट्स में फील जल्दी शायद ना हो, लेकिन एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग को जल्दी फील हो जाता है। टच मी नॉट नाम का एक झाड़ है जिसे टच करने से उसके पत्ते खुद ही बंद हो जाते हैं। अच्छा, क्या कभी आपका हाथ कांटे पर पड़ा हो या कुछ गर्म जगह पे, गर्म सी चीज़ पर पड़ा हो, तो क्या होता है,
अपना हाथ जल्दी खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि महसूस होता है, गर्मी महसूस हुआ या वो कांटे का चुभन आपको महसूस होता है, तब आप अपना हाथ खींच लेते हो। अच्छा, आपने कभी किसी बुक के ऊपर कोई कांटा रखा, क्या वो कुछ रिएक्ट करता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसमें जान नहीं है, वो फील नहीं कर सकता, वो महसूस नहीं कर सकता। तो लिविंग थिंग्स फील, नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट फील। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। Plants give seeds which grow into new plants. Some plants can reproduce through their stems, roots and leaves. Animals lay eggs or give birth to the young ones. Human beings and some animals like deer and lion give birth to their babies. Have you seen books or table producing their babies? They do not give birth to their babies because they are non-living things. So we can say that non-living things cannot reproduce. Now, on the basis of the above features, you know the difference between living and non-living things. Her लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वो अपने ही तरह का न्यू जनरेशन को लेकर आ सकता है। अगर प्लांट है या ट्री है तो उसके सीड्स के द्वारा वो फिर से उग के आ सकता है। जैसे अगर एप्पल का ट्री है, अपने एप्पल का सीड्स डाला है तो एप्पल का ट्री बनकर उग के आएगा। अगर वो ऑरेंज का ट्री है, ऑरेंज के सीड्स डालोगे तो ऑरेंज ट्री आएगा। मैंगो का सीड डालोगे तो मैंगो ट्री आएगा, है कि नहीं? कुछ ट्रीज या प्लांट्स ऐसे हैं जो उनकी डंडी यानी स्टेम जिसे कहते हैं, या फिर उसका जो जड़ है, रूट्स, ऐसे भी वो वापस उग सकता है। अच्छा, एनिमल्स में कुछ ऐसे हैं जो बर्थ देता है, जैसे पपीज है, किटन्स है, लायन है, डियर है, वो अपने ही तरह का बेबी को पैदा करता है। क्या कभी कैट का बेबी पपी हो सकता है? नहीं ना। क्या डॉग का बेबी किटन हो सकता है? नहीं ना। डॉग का बेबी पपी ही हो सकता है, किटन का जो मम्मी है या कैट ही सिर्फ किटन को पैदा कर सकते हैं। इंसान में भी ऐसे ही होता है ना? तो हर लिविंग थिंग अपने खुद के तरह का न्यू जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये चैप्टर में आपको समझ में आया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या क्या फ़र्क है? फर्स्ट डिफरेंस, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं पर नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स खाना नहीं खाते। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते। और लास्ट, लिविंग थिंग्स अपने ही तरह का न्यू जनरेशन को लेकर आ सकता है पर नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। बात आई समझ में आपको? दीज आर द की वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। First, living things. Things which take food or grow or feel or breathe and move on their own. Yani, har wo cheez jo khana leta hai, matlab khata hai, ya badhta hai, ya mehsoos karta hai,
या ब्रीथ करता है यानी श्वास लेता है या अपने आप ही कहीं ना कहीं मूव कर सकता है, ऐसी चीज़ों को लिविंग थिंग्स कहते हैं। आपने ऑलरेडी ये समझ लिया। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच डू नॉट टेक फूड और ग्रो और फील और ब्रीथ एंड डू नॉट मूव ऑन दे ओन। मतलब हर वो चीज़ जो जिंदा नहीं है, जो ना खाना खा सकता है, ना बढ़ सकता है, ना महसूस कर सकता है, ना श्वास ले सकता है और ना हिल सकता है अपने आप। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड बाय द लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग जो जिंदा है वो अपने खुद का तरह का अपने यंग वन को पैदा कर सकता है या जन्म दे सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स अपने खुद का, आपने कभी देखा है बुक अपने खुद का ही न्यू छोटा सा छोटा बुक लेकर आए, ऐसे हो सकता है? नहीं ना। क्या कभी चेयर खुद का बेबी चेयर लेकर आ सकता है? नहीं ना, वो लिविंग थिंग नहीं है, वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट, सीडलिंग, अ बेबी प्लांट फाउंड इनसाइड अ सीड आफ्टर जर्मिनेशन विच ग्रोस इनटू अ बिग प्लांट और ट्री। मतलब जब एक ट्री में फ्रूट या वेजिटेबल कुछ भी आता है उसके अंदर उसका सीड होता है, उसका दाना होता है, जो उसका बेबी होता है, उस सीड को हम जब मिट्टी में खोदते हैं, यानी जर्मिनेशन करना यानी मिट्टी में खोद के उसको जो खाद पानी जो कुछ चाहिए उसको देकर उसको उगाने की तैयारी करते हैं, तो जब वो मिट्टी में खोद कर उसे उगने का वक्त देते हैं उसे जर्मिनेशन बोलते हैं। तो जर्मिनेशन के बाद जो उग के आता है एक प्लांट का जो छोटा सीड के अंदर से बन के आता है वो बढ़कर एक छोटा सा प्लांट या फिर और बढ़कर वो एक ट्री भी बन सकता है, उसे सीडलिंग कहते हैं। तो कीवर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। नाउ आई नो, मतलब अब आप समझ गए हो, सीख गए हो। लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेकंड, नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड बुक्स, टेबल्स, चेयर्स, कार्स एक्सेट्रा। थर्ड, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, फील, ईट, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। फोर्थ, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ इन। मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं जिनमें जान है उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो ह्यूमन बीइंग यानी इंसान, हर तरह के एनिमल्स यानी जानवर और पेड़ पौधे प्लांट्स ट्रीज जो भी है। सेकंड क्या था, नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड बुक्स टेबल्स चेयर, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं है उसमें क्या क्या आते हैं, बुक हो सकता है, टेबल, चेयर, कार, बिल्डिंग, जो भी जिनमें जान नहीं है वो सब नॉन लिविंग थिंग्स है। थर्ड पॉइंट था, ऑल लिविंग थिंग्स जो है हर लिविंग थिंग बढ़ सकता है, महसूस कर सकता है, खा सकता है, श्वास ले सकता है यानी ब्रीथ कर सकता है और अपने ही तरह का एक न्यू जनरेशन को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट का मतलब हर लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए ब्रीथ करना ज़रूरी है, ब्रीथिंग रुक गया मतलब वो जिंदा नहीं रह सकता। आर यू क्लियर? ये चैप्टर पूरा हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड।